चर्च भी बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर 25 दिसंबर को बहुत भीड़ लगती है। इसको बोलते हैं नेपियर बिल्डिंग। आज ये बिल्डिंग है, पहले ये हॉल हुआ करता था। सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव लखनऊ। तो भैया हमको मिल रही है सुंदर चाय। सुंदर चाय में चाय देने का अलग ही आनंद देख रहे हो। ऊपर से पानी की चाय में गिर रहा है। अच्छा ये लोग बाहर से आए हैं। पत्ती को दम लगा के चाय बनती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल विष्णु पांडे ब्लॉग में। तो भैया जी, आज लखनऊ में बहुत ही ज़ोरदार बारिश हो रही है और यह बारिश सुबह से चल रही है। और आज तो आपको मैं बता दूं कि आज का दिन कौन सा है। आज है दशहरे का दिन। जी हाँ दोस्तों, दशहरे का दिन है। जगह जगह आज रावण को शाम को जलाया जाएगा, लेकिन सुबह से ज़ोरदार बारिश हो रही है। तो भैया हम आपको आज दशहरे के दिन इस बारिश के मौसम में बाहर निकल आए हैं और आपको हम लखनऊ के कुछ जानी पहचानी जगह लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि बारिश के मौसम में वो जगह कैसी लगती है और कितनी खूबसूरत लगती है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। तो आप देखिए, इस वक्त मैं हूँ लखनऊ के रोमी गेट पर। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के रूमी गेट पर और ये कुछ इस तरह का नज़ारा है लखनऊ के रूमी गेट का। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से लोग यहाँ पर आए हैं और बारिश के मौसम में मस्तियाँ कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं। ढेर सारे लोग यहाँ पर आए हैं। तो अब हम आपको ले चलते हैं लखनऊ की दूसरी लोकेशन पर, क्योंकि आपने रूमी गेट तो देख ही लिया है। तो मिलते हैं आपको दूसरी लोकेशन पर। तो भैया जी, हम पहुंच चुके हैं लखनऊ की दूसरी खूबसूरत लोकेशन पर, जो कि मौजूद है पुराने लखनऊ में। जी हाँ, लखनऊ के पुराने लखनऊ में। तो आपको दिखाते हैं क्या है वो दूसरी लोकेशन। जी हाँ, वो दूसरी लोकेशन है लखनऊ का क्लॉक टावर। और ये है वो खूबसूरत लखनऊ का क्लॉक टावर, जो कि बना हुआ है पुराने लखनऊ में। लखनऊ के क्लॉक टावर के बगल में ही बना हुई है लाइब्रेरी, जहां पर लखनऊ के जो नवाब रहे हैं उनके बारे में बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, उनके याद में बहुत सारे वहां पर नक्काशियां की गई हैं और उनके इतिहास के बारे में जानकारियां उसी लाइब्रेरी में मिलती हैं। उसी लाइब्रेरी के पास बना हुआ है तालाब, जहाँ पर रात में होता है लाइट एंड साउंड का शो। तो आइए आपको दिखाते हैं वो जगह भी। ये है वो खूबसूरत तालाब, जहाँ पर रात में लाइट एंड साउंड का शो भी होता है। रात में जगह बहुत ही जगमग करती है। और वो सामने जो आप देख रहे हैं, जी हाँ, यही है वो लाइब्रेरी, जहाँ नवाबों के इतिहास के बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी। कब कब कौन कौन नवाब लखनऊ में रहे, उससे पहले का इतिहास यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसके बारे में शायद मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है, आप लोग इसके बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन हाँ, नवाबों के बारे में जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो ये है वो खूबसूरत सा तालाब। आइए अब आपको ले चलते हैं अगली लोकेशन पे। दिन दिन बरसात हो रही है दिन भर से और बड़ी अच्छी बारिश हो रही है आज लखनऊ में। तो हमने भी इसीलिए आज लखनऊ में घूमने का मन बना लिया था, इसीलिए हम बाहर आ गए हैं। अब थोड़ा सा भीग चुके हैं तो क्यों ना एक गरम गरम चाय की प्याली हो जाए। तो आइए पुराने लखनऊ की ही एक ऐसी खूबसूरत जगह ले चलते हैं, जहाँ पर मिलती है आपको कुल्हड़ में चाय, तंदूर में पकी हुई। और वो चाय की दुकान कहाँ है और क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के उस हिस्से में जिसे कहा जाता है पुराना लखनऊ, और पुराने लखनऊ के सबसे खूबसूरत हिस्से में यानी कि हुसैनाबाद क्षेत्र में हम मौजूद हैं। और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर है लखनऊ का छोटा इमामबाड़ा। तो ये है वो लखनऊ का छोटा इमामबाड़ा,
जहाँ पर लोग बड़ा इमामबाड़ा घूमने आते हैं, उसके बाद यहाँ पर भी लोग घूमने आते हैं। आप अंदर जाके घूम सकते हैं, जो कि मौजूद है लखनऊ के पुराने हिस्से में। ये इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं, हेरिटेज इमारतों में से एक है ये। तो भैया जी, हम आपको बताए थे कि हम जा रहे हैं इस मौसम में चाय पीने, और लखनऊ के पुराने लखनऊ में एक ऐसी जगह है जहाँ पर मिलती है ईरानी दम टी, और ये जगह है लखनऊ का छोटा इमामबाड़ा, यानी कि हुसैनाबाद क्षेत्र में बना हुआ छोटा इमामबाड़ा, और यहाँ पर मिलती है ईरानी दम टी। लेकिन ये खुलेगी 4 बजे और मैं आया हूँ आज यहाँ पे 2 बजे, तो इन्होंने कहा कि शाम को आइए तब मिलेगी। यहाँ पर ईरानी फास्ट फूड भी मिलेगा, ईरानी दम टी भी मिलेगी। तो भैया शाम को मिलेगी, तो शाम को आप आके यहाँ देर रात तक कभी भी चाय पी सकते हैं। और ये लगता है यहाँ पर चाय यही भाई साहब बनाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये जो है भैया कितने बजे से मिलती है? 4 बजे से होती है। 4 बजे से कितने बजे तक? 4 शाम को 11 बजे तक। तो भैया जी 4 बजे से 11 बजे तक यहाँ पर ये चाय मिलती है, ईरानी दम टी जो आप देख सकते हैं। तो ये ईरानी दम टी का ये कैसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया, कैसे दिमाग में आया? ये बाहर से आए, बिहार के यहाँ पे। अच्छा, ये लोग बाहर से आए यहाँ? और ये ईरानी दम टी जैसे कि बिरयानी दम भी लगाया जाता है जी, उस तरह से पत्ती है होती है उसको दम लगाई जाती है, पत्ती को दम लगा के चाय बनती है। पर आज हम जल्दी आए इसलिए हमको आज मिल नहीं पाएगी, हम फिर आएंगे कभी पीने के लिए। और ये ईरानी फास्ट फूड दम टी इन्हीं का है, तो इनसे मिलके अच्छा लगा, थैंक यू भैया। तो ये वो हुसैनाबाद का ये गेट है जो छोटा इमामबाड़ा के पास ही बना हुआ है। तो ये पुराने लखनऊ की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। चलिए अब आपको ले चलते हैं इस बारिश के मौसम में लखनऊ की दूसरी लोकेशन पर। हम पुराने लखनऊ की तरफ आएँ, और लखनऊ की जो जानी मानी एक चीज़ है वो आपको ना दिखाए, तो पुराने लखनऊ की तरफ आना और आपको यहाँ की लोकेशन दिखाना बर्बाद चला जाएगा। तो भैया फाइनली देख लीजिए, जी हाँ, ये है लखनऊ का इमाम बाड़ा, यानी कि भूल भुलैया, जिसके नाम से लखनऊ को भी बहुत अच्छे से जाना जाता है। ये सामने बना हुआ है भूल भुलैया यानी कि इमाम बाड़ा। लखनऊ जो लोग आते हैं इमाम बाड़ा ज़रूर आते हैं। और ये है वो रूमी दरवाज़ा, रूमी गेट, ये है लखनऊ का इमाम बाड़ा। भैया जी ये थी पुराने लखनऊ की कुछ जानी मानी लोकेशन। अब आपको ले चलते हैं नए लखनऊ की तरफ और वहाँ पर बनी हुई नई इमारतों के दर्शन कराने, नई लोकेशन पे। कि पुराने लखनऊ से नए लखनऊ के दर्शन कराने से पहले आपको पुराने लखनऊ में बने वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्क, यानी के कई लखनऊ के जो पुराने पार्क हैं उनमें से सबसे पुराने एक पार्क के दर्शन करा देते हैं। जो लोग लखनऊ में रहते हैं, जो लोग लखनऊ से बिलोंग करते हैं, ना जाने कितने हज़ारों लाखों लोगों की यादें यहाँ से जुड़ी होंगी। तो लखनऊ का आइए वो पार्क दिखाते हैं जहाँ से लोगों की यादें जुड़ी हैं। मेरी तो बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हैं, आपकी पता नहीं जुड़ी हैं नहीं जुड़ी हैं, लेकिन आपको दिखा देते हैं ये पार्क, थोड़े से दर्शन करा देते हैं, बाकी आप आके यहाँ ज़रूर घूमिएगा। लखनऊ का गौतम बुद्ध पार्क जो कि बना हुआ है मेडिकल कॉलेज से पास में ही, डालीगंज क्षेत्र लगता है ये। ये है लखनऊ का गौतम बुद्ध पार्क, यहाँ पर बहुत से लोग घूमने आते हैं, फैमिलीज बहुत से घूमने आती हैं। आज भी इस पार्क का क्रेज़ उतना ही है जितना पहले हुआ करता था। हम लोग बचपन से यहाँ खेलने आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर पार्क है। यहाँ पर पैडल बोट भी है, हम लोग जब छोटे थे तो यहाँ आते थे घूमने के लिए। देख रहे हैं ढेर सारी यहाँ पर ये बोट रखी हुई हैं, और ये पूरी एक तरह की छोटी सी झील बनी हुई है। ये चारों तरफ आपको यहाँ पर घुमाते हैं, तो ये पार्क बहुत ही खूबसूरत है। सामने महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी लगी हुई है। तो आप पुराने लखनऊ आ रहे हैं तो इस पार्क को ज़रूर विज़िट करिएगा। पुराने लखनऊ घूम धाम के और बुद्धा पार्क होते हुए जब आप नए लखनऊ की तरफ जाएंगे, तो रास्ते में हजरतगंज से ठीक पहले पड़ती है जगह परिवर्तन चौक, और परिवर्तन चौक से पहले पड़ती है 3 ऐसी खूबसूरत जगह जहां पर आप विज़िट कर सकते हैं। तो पहली जगह है वो है कारगिल शहीद स्मृति वाटिका। जी हाँ, कारगिल शहीद स्मृति वाटिका जो कि बनी हुई है कारगिल में हुए शहीदों की याद में। ये आप देख रहे हैं ये पूरी कारगिल शहीद स्मृति वाटिका है। इस तरफ से आप आएंगे तो डालीगंज पुल होते हुए
और यहाँ से आप सीधे जाएंगे तो परिवर्तन चौक होते हुए हजरतगंज जाएंगे और इसी के ठीक बगल में इस तरफ बना हुआ है लखनऊ का मशहूर रेजिडेंसी यानी कि बेली गारत रेजिडेंसी बना हुआ है। आप यहाँ भी आके विजिट कर सकते हैं और इसी से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बना हुआ शहीद स्मारक, लखनऊ का बहुत ही पुराना शहीद स्मारक, तो ये जगह भी आप विजिट कर सकते हैं अंदर से। आइए अब चलते हैं आगे की तरफ। तो ये है कारगिल शहीद स्मृति वन और ये इस तरफ बना हुआ है रेजिडेंसी यानी कि वैली गारत। ये गेट है यहाँ पे और उसके उस तरफ भी गेट है और मैंने कहा था थोड़ा आगे ही बढ़ते बनेगा मिलेगा आपको शहीद स्मारक। तो ये है शहीद स्मारक पार्क। परिवर्तन चौक होते हुए हम आ चुके हैं लखनऊ के सबसे पॉश मार्केट में यानी कि लखनऊ की जान हजरतगंज मार्केट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हजरतगंज मार्केट में और यहाँ पर दो ऐसी बिल्डिंगें हैं जो कि बहुत पुरानी है तो आपको वो भी दिखा देते हैं। बाकी आपको अगर लखनऊ की शाम का मज़ा लेना है और मार्केट का मज़ा लेना है, खाने पीने का मज़ा लेना है तो आप हजरतगंज मार्केट ज़रूर विज़िट करिए। और उसके अलावा आपको बता दें कि इस मार्केट में आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम में मिल जाएंगे तो हजरतगंज विजिट करिए। और दो इसकी सबसे पुरानी बिल्डिंग आपको दिखा देते हैं। एक है ये मेरे सामने बनी हुई कैथेड्रल चर्च, ये स्कूल भी है और ये बहुत ही खूबसूरत चर्च भी बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर 25 दिसंबर को बहुत भीड़ लगती है, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है ये आप देख सकते हैं। और इसी के अपोजिट में एक बिल्डिंग है, ये इसको बोलते हैं मैपियर बिल्डिंग। आज ये बिल्डिंग है, पहले ये हॉल हुआ करता था, एक थिएटर हुआ करता था, यहाँ पर लोग फिल्में देखने आते थे। मैपियर हॉल जो कि अब बंद हो चुका है, ये बहुत ही पुराना हॉल हुआ करता था, लखनऊ की जान हुआ करता था मैपियर हॉल। यहाँ की ये सब पुरानी बिल्डिंगें हैं और इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ की इस रोड पर बनी हुई जितनी बिल्डिंगें हैं सब एक ही रंग में रंगी हुई हैं जो इसकी खूबसूरती और बढ़ा देती हैं। अब भैया हजरतगंज आए हैं तो आपने समोसे बहुत खाए होंगे लेकिन लखनऊ में एक जगह ऐसी है जहाँ पर मिलता है बहुत ही शानदार समोसा, तो आपको आइए वहाँ ले चलते हैं समोसा खिलाने। हम भी समोसा खाएंगे और चाय पियेंगे उसके बाद। तो भैया घूमते घूमते हम लोग आ चुके हैं जैसे कि बताया हजरतगंज, तो हजरतगंज में ही मिलते हैं वो यूनिक समोसे। आपने लखनऊ में या लखनऊ के बाहर भी अलग अलग तरह के समोसे खाए होंगे, शर्मा के यहाँ गोल समोसे खाए होंगे, किसी के यहाँ लंबे समोसे खाए होंगे, आलू उबले हुए समोसे खाए होंगे, तरह तरह के टेस्टी छोटे समोसे बड़े समोसे खाए होंगे। लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर मिलते हैं बहुत ही टेस्टी और अच्छे समोसे, हींग वाले समोसे, तो आपको हम खिलाएँगे वो हींग वाले समोसे, खुद भी टेस्ट करेंगे आपको भी टेस्ट कराएँगे, उसके बाद ले चलेंगे आपको वीडियो में आगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको ये हींग वाले समोसे मिलेंगे कहाँ। अगर आपने लखनऊ में एक जगह सुनी होगी इसका नाम है लीला टाकेज, जो कि अब है नहीं, वो ये सामने था, तो ये लीला टाकेज के पास कैथेड्रल बिल्डिंग के बगल में LIC बिल्डिंग के जस्ट पीछे मौजूद है ये सैगल समोसे, हींग वाले समोसे। आइए गरम गरम लेते हैं समोसे और टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। भैया जी एक समोसा लाओ यार, देख रहे हैं सामने रेडियो सिटी का ये थप्पा लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ दोनों इनके पास मिक्स चटनी है, कड़वी चटनी भी है, मीठी चटनी भी है। मैं तो आप कहूँगा अगर आप यहाँ खाने आए तो दोनों चटनी का टेस्ट लें एक साथ और गरम गरम हींग वाले समोसे हम खाते हैं। भैया ये ले लिए हमने हींग वाले गरम गरम समोसे और खाते हैं, उसको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। हमेशा की तरह लाजवाब, मैं जब ऑफिस से निकलता हूँ तो शाम में अक्सर ही खाता हूँ, तो आप लोगों को भी आज दिखा दिया तो यहाँ आकर ये समोसे जरूर टेस्ट करें। अब आपको ये चलते हैं आगे, तब तक हम खाते हैं समोसे। तो भैया जी अब हम आ चुके हैं पुराने लखनऊ से नए लखनऊ में यानी कि लखनऊ के एक कोने से दूसरे कोने में, दूसरे हिस्से में,
तो आइए आपको दिखाते हैं इस नए लखनऊ में कुछ ऐसी इमारतें हैं जो बहुत ही प्रचलित हैं, जो लोग बहुत देखना पसंद करते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं तो इसे देखने ज़रूर आते हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसी नए लखनऊ की एक ऐसी जगह पर जो कि आजकल बहुत ही मशहूर है, और वो है लखनऊ का 1090 चौराहा। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है वुमेंस पावर लाइन का ऑफिस, और वुमेंस पावर लाइन का ऑफिस जिसका कोड है 1090, उसी नाम से इस चौराहे को बनाया गया है। ये सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव लखनऊ। इंस्टाग्राम पे मोस्टली आप लखनऊ की वीडियोस देखेंगे तो जो बनाते हैं लोग वो यहीं पर आके बनाते हैं। संडे को यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है इंस्टाग्रामर्स की। और ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार, यहाँ से हम आपको ले चलते हैं उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल की ओर, जो कि लखनऊ की बहुत ही सुंदर और खूबसूरत जगह है। और बारिश आप देख रहे हैं कितनी ज़ोरदार हो रही है लखनऊ में। आइए चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं वो खूबसूरत जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिवर्तन स्थल। तो भैया जी, आज के इस बारिश वाले ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे लखनऊ की आखिरी सबसे खूबसूरत इमारत, जो कि इस वक्त लखनऊ में और लखनऊ के बाहर देश विदेश में बहुत ही प्रचलित है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं इस इमारत को देखने के लिए। तो आइए आपको दिखाते हैं आज के इस ब्लॉग की आखिरी चुनिंदा इमारतों में से एक सुंदर इमारत। याद है, आइए दिखा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है अंबेडकर पार्क, लखनऊ का फेमस अंबेडकर पार्क, जो कि है लखनऊ की चुनिंदा इमारतों में से एक खूबसूरत इमारत, जहाँ पर शाम को अक्सर ही बहुत ही भीड़ होती है, और जब यहाँ पर लाइट जलती है रात में तो ये पार्क जगमग हो उठता है और बहुत ही सुंदर दिखता है। बहुत ही बड़े क्षेत्र में बना हुआ है ये पार्क। यहाँ पर कई सारे हाथी भी हैं जो कि आप देख सकते हैं। अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, महात्मा बुद्ध जी की प्रतिमा। तो यही वो क्षेत्र है नए लखनऊ का खूबसूरत क्षेत्र। भैया जी, ये थी लखनऊ की कुछ चुनिंदा इमारतें जो मैंने आपको इस बारिश के मौसम में दिखाने के लिए सोची थी। लखनऊ में ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जो अभी छूट गई हैं इस ब्लॉग में, लेकिन उम्मीद है कि ये इमारतें आपको पसंद आई होंगी। और आप लखनऊ से हैं तो इन इमारतों को अगर विज़िट नहीं किए हैं तो करेंगे, और लखनऊ के बाहर से आ रहे हैं तो भी आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। ये जो अंबेडकर पार्क है लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में बना हुआ है, हजरतगंज से दो किलोमीटर की ही दूरी पर मौजूद है ये। अब बची है आज की आखिरी चीज़ इस बारिश में, और वो है चाय। तो अब चलते हैं चाय पीने, और हाँ, चाय तो आज कुल्हड़ वाली ही पियेंगे। बारिश में भीगने के बाद कुल्हड़ वाली चाय पीने का अलग ही मज़ा है। तो मिलते हैं आपको अब चाय की दुकान पे। फाइनली हमको चाय मिल गई है, और चाय मिली है हमको लखनऊ की एक और खूबसूरत जगह, जो कि है लखनऊ का रिवर फ्रंट। नदी के किनारे सैर करना अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है, तो यहाँ पर लोग शाम को अक्सर आते हैं सैर करने के लिए। ये सामने मेरे आप देख रहे हैं ये गोमती रिवर फ्रंट का ये द्वार है, यहाँ से लोग नीचे जाते हैं, और ये पार्किंग है, यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होती हैं, सामने टिकट मिलता है, और यहीं पर मिलती है चाय, तंदूरी चाय, कॉफ़ी भी और चाय भी। तो फाइनली हमको कुल्हड़ चाय मिल गई है, तो हम यहीं पियेंगे चाय। तो भैया, हमको मिल गई है कुल्हड़ चाय। कुल्हड़ चाय में चाय पीने का अलग ही आनंद, देख रहे हो ऊपर से पानी भी चाय में गिर रहा है। तो भैया, आज का ये था ब्लॉग, इसमें हमने देखा लखनऊ की इमारतों को भीगते हुए नहाते हुए खूबसूरत तरीके से। तो ऐसे ही आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।